हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम लोग का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शंस, है ना। जैसे हम लोग बात किए थे रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है ना। आपको इसको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है और जो जो बताया गया है, जैसे आपको रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया गया है, उसका हम यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या बात किए थे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और फिर हम बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब इसके बाद जो हम बात करेंगे आज का टॉपिक्स में, कंडक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस, यानी आपने ये समझ लिया किसी भी सेल्स है तो सेल्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारा जैसे मोबाइल फ़ोन है वो, उसमें क्या होता है, सेल अगर डिस्चार्ज रहता है तो क्या हो जाता है, उसको आप चार्ज करते हैं, तो वहाँ से आप क्या समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है, इस पर थिंकिंग थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। जो बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सोचिए, ये आपको टॉपिक बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग आपको टॉपिक होता है ये, है ना, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता है। अब आज हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंडक्शन में क्या हम बात करेंगे, जैसे करंट, करंट का फ्लो किसके कारण से होता है, दो आपको फैक्टर होते हैं, एक होते हैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं यहाँ पर आयन, इलेक्ट्रॉन एंड आयन, तो वो हम बात करेंगे वन बाई वन लेक्चर। तो पहले हम बात करेंगे आपको इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसके हम बात करेंगे आयन के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई आप मेटल रॉड लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अगर कोई सॉल्यूशंस लिया जाए तो कोई सॉल्यूशंस लिया जाए उसमें हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, आयन के थ्रू। यानी हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया, NaCl डाला, वो आयन ब्रेक हुआ, Na प्लस NaCl माइनस, वो आयन क्या हुआ, मूवमेंट हुए, तब उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट कैसे फ्लो होते हैं, और इसके बाद जो लेक्चर में हम बात करेंगे आयन के थ्रू। तो आज आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे करंट फ्लो होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इस जो लेक्चर को जितना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपको मेटालिक कंडक्टर्स, यानी इसमें हम करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, चलिए आज देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, आप कोई भी कंटेनर लिया गया, यहाँ पर सॉल्यूशंस है और ये रॉड मैंने डिप्ट किया मेटल रॉड, है ना, यहाँ भी। और यहाँ पर आप ज़रा ध्यान देंगे, अगर जो करंट जो फ्लो होगा तो आप करंट का फ्लो कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ज़रा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सॉल्यूशंस में कैसे करंट का फ्लो हो रहा है, फिर इस मेटल जो रॉड है उसमें करंट का फ्लो कैसे। अगर मेटल में अगर करंट का जो फ्लो होगा वो कारण क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स, और इस जो सॉल्यूशंस में जो करंट का फ्लो होगा दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, तो मेटालिक और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ये आप बात समझ गए क्या यहाँ पर आप हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक कैसे कनेक्ट है, है ना। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स समझ लेते हैं, कंडक्टर्स क्या है, तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। अब आप ये समझेंगे सर बेसिक, देखिए हम लोग को बेसिक लेकर चलना है, ये आप ध्यान देंगे, है ना, छोटे छोटे बात कभी कभी माइंड से भूल भी सकते हैं। कंडक्टर्स क्या है, किस सब्सटेंस को कंडक्टर कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, है ना। तो देखिए वही आपको मेनली बात किया गया, सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स, ये आप समझ गए। अब ये कंडक्टर्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, मेटालिक कंडक्टर फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, है ना। मेटालिक जो कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेटल में अगर करंट का जो फ्लो हो रहा है कारण क्या है, तो करंट का फ्लो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन और आयन। इस मेटल में जो करंट का फ्लो का कारण मेनली रूप से इलेक्ट्रॉन है, है ना, आयन नहीं है, आयन वाले हम जो बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मैटर डज नॉट डिकम्पोज। किसी भी अगर मेटल में करंट जो फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर जो मैटर का डिकम्पोज नहीं हो रहा है ना, कोई मेटल जो ब्रेक नहीं हो जा रहा है, ये आप ध्यान देंगे, है ना। अब चलते हैं ये फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सबसे पहले नेचर अ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जैसे अगर हम बात करें कॉपर मेटल ले, फिर आयरन ले, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप बताएंगे करंट किस में फ्लो होगा, कॉपर। अगर सिल्वर ले तो और अच्छा, उसमें और ज़्यादा होगा, तो ये आप ध्यान देंगे। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही तो करंट फ्लो हो रहा है,
और फिर लास्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या बोल रहा है, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा करेंगे तो करेंट का फ्लो कम होगा। क्यों, क्या हो सकता है, क्या आप सोच रहे बताएंगे? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में वाइब्रेट होगा, जिगजैग होगा, आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे में, है ना, वो रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट करने लगेंगे, तो इस वजह से वहाँ पर जो करंट का फ्लो कम हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। तो टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन के कारण करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर, तो इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ तक आपने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, अभी ध्यान देंगे मेटालिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स किस में होता है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए कुछ हम बेसिक यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था वन टू फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे क्या। तो आइए आज थोड़ा सा उनका मेन थोड़ा देख लिया जाए इलेक्ट्रोलाइट्स के। ये मेनली रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स को टू टाइप्स में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब वाटर में जाते ही वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं ना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड बेस HCl HN3 H2SO4 KOH NaCl। वीक की बात करेंगे CH3 COH HCN H2CO3 और H3। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है जो कि शुगर यूरिया हम बात करते हैं, और हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छे से डिटेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए। ओके, तो Na+ Cl- में ब्रेक होती है और ये आयन का जो मूवमेंट होता है, इस आयन के मूवमेंट से ही हम करंट फ्लो होते हैं। तो आपने आज तो आयन की हम बात नहीं कर पाए, आपने इलेक्ट्रॉन के थ्रू बात की है, तो ये सब आप ध्यान देंगे क्योंकि पूछते ही जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में भी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स टॉपिक लेकर। ओके,